प्रोवाइड करी वहाँ चुके हैं स्टारबक्स के अंदर। स्टारबक्स में से ये प्रोवाइड किया हुआ है ठीक भाई, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए भाई ये स्टारबक्स में बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे हैं ये हमारे सिद्धार्थ भाई है, हमने सिद्धार्थ भाई को यहाँ पे लिया हुआ। तो हेलो गाइस अभी हम आ चुके हैं मैकडॉनल्ड्स। तो हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आदाब, केम शो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलन माइल्स व्लॉग। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 10:15 हो चुके हैं रात के, और अभी हम आ चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्टारबक्स सीजी रोड पे। किसके साथ आए हैं आपको मिलवाते हैं, ये अपने हैरी भाई। तो हैरी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, मैंने बोला कि हम लोग दूसरी जगह चाय पीने चलते हैं, तो हैरी भाई ने बोला कि नहीं अब्दुल भाई हम लोग पियेंगे कॉफ़ी, वो भी स्टारबक्स वाली। क्या बात है, अच्छी थोड़ी पी ली जाए अभी कॉफ़ी वगैरह। तो हैरी भाई बोल रहे थे यार चाय पी पी के ठेले पे टी पोस्ट में भी बोर हो गए, तो हैरी भाई लेके आए भाई स्टारबक्स में, क्या बात है। तो चलिए गाइस चलते हैं स्टारबक्स में। वैसे मैं एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, पहले कभी मैं स्टारबक्स ट्राई नहीं किया है, तो देखते हैं क्या रेट्स वगैरह है, क्या कॉफ़ी है, कैसी टाइप की, कौन से फ्लेवर आते हैं। तो चलते हैं हैरी भाई। हाँ लेके मैं भले आया हूँ, और पैसे तो अब्दुल भाई देने वाले हैं। अभी थोड़ी कड़की चल रही है, तो चलिए भाई ट्राई करते हैं कैसी कॉफी आती है स्टारबक्स की। भाई भाई ने गिन के चिल्लर लेके आया जेब में, बोला चिल्लर दूंगा वहाँ पर। अभी बजट टाइट चल रहा है गाइस, तो वीडियो में बने रहिएगा गाइस। चलो अंदर चलते हैं पहले, फिर उसके बाद ध्यान तो पर चलो क्या शो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं स्टारबक्स के अंदर, देखते हैं कौन कौन से फ्लेवर है, कितनी प्राइस रहती है, सब आपको बताएंगे डिटेल में। अगर आप सीजी रोड विजिट करते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं स्टारबक्स में, आप लोगों को बता दें गाइस। हॉट ले लो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अपने हैरी भाई ऑर्डर कर रहे हैं कॉफ़ी स्टारबक्स की। एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, वैसे तो ठेलों पे सब चाय वगैरह पिए, पर अभी ट्राई करने वाले स्टारबक्स की कॉफ़ी कैसी रहती है। सिद्धार्थ भाई के पास से, थैंक यू सर, ठीक है। और अपने को स्टारबक्स में से ये प्रोवाइड किया हुआ है, जैसा आप देख सकते हो, क्रीमी स्पिनिच एंड कॉर्न कॉफी, ठीक है भाई। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये जो भाई इन्होंने हमको थोड़ी इसमें ट्राई करते हैं, इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है, ठीक है। चलिए भाई ये स्टारबक्स में बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस हमको मिली हुई है स्टारबक्स में से फ्री मिल, जैसे कि आप अगर आप आते हैं एक छोटा सा स्नैक्स होता है वो आप ले सकते हैं, इसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। ट्राई करते हैं, और हैरी भाई ने अभी ऑर्डर किया हुआ है, तो हमारा बिल हुआ है 331 रुपीस। ये भाई चिल्लर दे रहे थे तो चिल्लर उन्होंने लिया नहीं, बोले चिल्लर भाई एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो फिर हमने ऑनलाइन हमको करना पड़ा। तो हैरी भाई का कहना है मतलब ये है कि बाहर एक्चुअली ठंडी है, तो ठंडी कोल्ड को भी पीने का मतलब नहीं, इसलिए हमने ऑर्डर की है हॉट कॉफ़ी, और 1/2 हो जाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा नहीं नहीं भाई झूठ बोल रहे, कोई 1/2 नहीं होंगे, ठीक है दो कॉफ़ी मंगाई हो, 1/2 कोई नहीं हो गया, ठीक है। तो भाई दो कॉफ़ी ऑर्डर, और गाय दूसरी बात ये रही कि ऐसा कुछ नहीं है, तो चिल्लर का होता है, एक मजाक चल रहा है, चलो तो पता ही आपको यार इतने अच्छी, अगर हम कॉफ़ी में या रेस्टोरेंट में आते तो वहाँ चिल्लर तो ऑब्वियसली कोई चिल्लर देगा नहीं। तो ट्राई करते हैं कैसा है क्या, फिर वो भी आपको बता देना, क्योंकि सिद्धार्थ भैया ने कहा कि हमको रिव्यू देना। बहुत टेस्टी भाई, क्या है भाई? अरे बिल्कुल एकदम फ्रेश है, एक और लेंगे ट्राई करेंगे, ये आप लोग के वो बहुत अच्छा है, इसको लास्ट में लेते हैं, टेस्ट भाई इंटरनेशनल टाइप है। ये हमारे सिद्धार्थ भाई है यहाँ पे, ठीक है,
और ये अपना चैनल का नाम है, हमने सिद्धार्थ भाई को यहाँ पे दिया हुआ है, बाद में वो सब्सक्राइब कर देंगे। अभी थोड़े बिजी चल रहे, ऑर्डर डाल रहा हूं। ठीक है सिद्धार्थ भाई, नाइस मीटिंग यू। कॉफ़ी हो चुकी है ख़त्म और जो फ्री मिल था वो भी हमने खा लिया है, और आपको जो है रिव्यू बता दें कैसा था कॉफ़ी का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिवाली, जैसे कि आप बताइए दिवाली चल रही है तो काफ़ी सारे यहाँ पे गुडीज़ रखे हुए हैं, गिफ्ट वगैरह आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ये गाइस आप देख सकते हैं ये सारे गिफ्ट रखे हुए हैं, ये पता नहीं फ्री है कि इसके चार्जेबल है या फिर कॉफ़ी के साथ मिलेंगे, आई डोंट नो, पर यहाँ पे गिफ्ट रखे हुए तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ कि भाई पहली बार आया हूँ तो वो देखते हैं कि यानी कैसा क्या कैसा टेस्ट आता है, हम जो बाहर पीते हैं उस लाइक उसकी तरह मिलता जुलता होता है क्या, उससे बेहतर होता है, पर ठीक है, यानी कोई इतना बहुत स्पेशल नहीं था। तो ओवरऑल वैसे एक्सपीरियंस ठीक था आपको? हाँ। तो लो गाइस अभी हम आ चुके हैं मैकडोनल्ड, तो स्टारबक्स में इतना मज़ा नहीं आया, तो हैरी भाई अभी लेके आ चुके हैं मैकडोनल्ड के अंदर बन गया। तो अभी हैरी भाई बताओ अभी यहाँ पे अपने मैकडोनल्ड में क्या ऑर्डर किया है? मैकडोनल्ड्स में हमने अभी यहाँ पे चीजी नगेट्स है वो ऑर्डर किया है भाई। तो गाइस आपको बता दें अभी अपने आ चुके हैं चीजी नगेट्स जो कि हैरी भाई ने ऑर्डर किए हैं मैकडोनल्ड से, काफ़ी यानी स्पाइसी और मस्त है भाई। तो स्टारबक्स में एक्चुअली पैसा वेस्ट के इससे अच्छा हम पहले मैकडोनल्ड में आए थे यार। नहीं बात वो नहीं, बाकी हमारा एक्चुअली में ऐसा था कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई स्टारबक्स की वीडियो बनाओ, स्टारबक्स की वीडियो बनाओ, स्टारबक्स में कैसा होता है, कैसी कॉफ़ी आती है, क्या है, तो हम जाके देखें। तो गाइस अगर आप जाते हो तो आप वहाँ पे जाके खुलासा कर लो कि कॉफ़ी वगैरह क्या है, हो सकता है कभी बाई मिस्टेक हमारी वो हो सकती है कि हमने स्वीट का नहीं बोला, कभी ऐसा ऑप्शन आता, बाकी हमको पूछा तो नहीं गया था। चीज़ी नगेट्स बोलते जिसे, तो कैसे आते हैं वो देखते हैं। वैसे तो ये मैंने पहले खाया हुआ है, काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है इसका वैसे तो। तो ये ले रहे हैं हम चीज़ी नगेट्स, इसका आप शेप देख सकते हैं ट्राइंगल शेप में बना हुआ ये, काफ़ी चीज़ी है और थोड़ा स्पाइसी भी अच्छा लग रहा है, टेस्ट इसका वैसे बढ़िया है और सॉस लगेगा तो और अच्छा हो जाएगा। अभी कंप्लीट हो चुके अपने नगेट्स और हैरी भाई ने और हमने खा लिया है, और अभी हम आ चुके हैं बाहर मैकडोनल्ड के। और ये कौन से मैकडोनल्ड है आप लोगों को बता देते हैं, ये जो है प्रहलाद नगर के पास वाला मैकडोनल्ड है। तो ये आप देख सकते हैं ये प्रहलाद नगर का चार रस्ता वहाँ पर पड़ेगा, और यहाँ से अगर आप सीधे जाते हैं तो सीधा SGI आएगा आप। आपको भी बता जैसा कि हम कम बजट में काफ़ी अच्छी चीज़ खा लेते हैं और टेस्ट भी भाई सुपर रहता है। वैसे बढ़िया था, थोड़ा टेस्ट चेंज हुआ है, अच्छा लगा और मज़ा भी आया भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया हैरी भाई आपका, आपने इतनी अच्छी ट्रीट दी। पहले मुझे लेके गए स्टारबक्स, वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तो यार हैरी भाई मुझे लेके आए मैकडोनल्ड में, तो बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा हैरी भाई को। मैंने मना किया कि नहीं जाना है, तो भी हैरी भाई मुझे ज़बरदस्ती लेके आए कि भाई चलो खा रहे आपको खिला के ही मानेंगे, मतलब ठीक है भाई। तो हैरी भाई का नेचर बहुत ही अच्छा है, और कुछ बोलना चाहोगे हैरी भाई? नहीं भाई आज के लिए तो इतना ही है, क्योंकि अभी मन भी भर गया है, काफ़ी थक भी गए। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, हैरी भाई आज सुबह ही आज आए हुए हैं, अजमेर गए थे हैरी भाई 2 दिन से, और सुबह ही ट्रेन से आप आए अहमदाबाद, और शाम को सीधा मुझे मिलने के लिए आ गए। तो ये आप इससे पता चलता है आपको हैरी भाई का कितना प्यार है। राजस्थान में जा रहे हैं तो अभी राजस्थान में वहाँ पे ठंडी चालू हो गई है, तो कभी अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो आप साथ में विंटर का सामान लेके रखें, ठीक है, बच्चे हों तो ख़ास करके आप बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे ठंडी चालू हो गई, क्योंकि मैं पुष्कर में था और जैसलमेर में था तो वहाँ पे काफ़ी ठंडी है, यहाँ वापस आए तो इतना कुछ नहीं लग रहा है, बाकी वहाँ तो काफ़ी ठंडी है। तो आप अगर जाते हैं ट्रैवल्स कर रहे हो तो आप प्लीज़ अपना आप और अपनी फैमिली का और बच्चों का ख्याल रखें। तो अगर हम एंड करते हैं, ठीक है, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, ताकि के लिए सी यू बाय बाय टाटा क्या कहते हैं। चलिए।